हेलो माय डियर किड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाई नीतू निगम। नेशनल साइबर ओलंपियाड लॉजिकल रीजनिंग पार्ट 5 आज मैं लेकर आई हूँ। इससे पहले मैंने पार्ट 4 तक लॉजिकल रीजनिंग की वीडियो बना चुकी हूँ क्लास 5th के लिए, और आज हम क्लास पार्ट 5th देखेंगे। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने कंप्यूटर सब्जेक्ट से CBSE सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक के क्वेश्चंस को समझाते हुए बुक सॉल्व करवाए हैं। साथ ही 5th क्लास ओलंपियाड, 2nd क्लास, 1st क्लास, इन सभी के ओलंपियाड दृष्टिकोण से कंप्यूटर सब्जेक्ट के लिए मैंने वीडियो बनाकर डाले हैं। अभी तक अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर एक बार अवश्य देखिए और हमें बताइए कि वो आपको कैसा लगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 से। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ विंडोज 7 डिस्प्ले अ प्रमोट लाइक द वन इन द गिवन स्नैपशॉट व्हेन अ न्यू प्रोग्राम इज इंस्टॉल। ऑप्शन ए विंडो डिफेंडर, बी क्रीडेंशियल मैनेजर, सी एक्शन सेंटर, डी यूजर अकाउंट कंट्रोल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी यूजर अकाउंट कंट्रोल। यूजर अकाउंट कंट्रोल, इट इज अ मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल इन्फोर्समेंट फैसिलिटी इंट्रोड्यूस विथ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। इट एम्स टू इम्प्रूव द सिक्योरिटी ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडो बाय लिमिटिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू स्टैंड एंड यूजर प्रिविलेज अंटिल एंड एडमिनिस्ट्रेट ऑथोराइज एंड इंक्रीज और एलिवेशन। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड्स ट्रू अबाउट MPEG स्टैंडर्ड्स। स्टेटमेंट 1, इट इज अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड फॉर ऑडियो एंड वीडियो कंप्रेशन। स्टेटमेंट 2, इट वॉज डेवलप्ड बाई मोशन पिक्सल एक्सपर्ट ग्रुप। ऑप्शन ए ऑनली स्टेटमेंट 1, ऑप्शन बी ऑनली स्टेटमेंट 2, ऑप्शन सी बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, ऑप्शन डी नाइदर स्टेटमेंट 1 नॉर स्टेटमेंट 2। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ऑनली स्टेटमेंट 1। MPEG developed by Moving Picture Expert Group. Question number 26. Pressing key during a slideshow display all slides dialog box as shown in the given image in MS PowerPoint 2003. Option A Control plus G, ऑप्शन बी शिफ्ट प्लस बी, ऑप्शन सी अल्ट प्लस एम एंड ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस एस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस एस। क्वेश्चन नंबर 27, यू कैन चेंज द साइज ऑफ ब्रशेस यूजिंग साइज टूल्स अवेलेबल अंडर होम टैब इन MS पेंट। If you want to increase the size of brushes larger than available standard size, you should option A select the desired brush from the drop down list of brushes, hold shift plus press the star key on the numpad. B select the desired brush from the drop down list of brushes, hold control press the plus key on. Option C select the desired brush from the drop down list of brushes, hold alt plus control press the greater than key on the numpad. And D select the desired brush from the drop down list of brushes, hold control plus shift press the 6 key on the numpad. Correct answer is option B.
क्वेश्चन नंबर 28, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच. कन्वर्ट पोअरली ड्रॉन स्केच्ड लाइंस आर्क एंड अदर ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स इनटू मैथमेटिकली प्रिसाइज ऑब्जेक्ट्स. बी कैरेक्टर प्रिंटर दैट प्रिंटर्स वन कैरेक्टर एट अ टाइम. सी यूज्ड इन हाई सिक्योर एरिया टू ट्रैक अनयूजुअल एक्टिविटीज. एंड डी हैंड हेल्ड इनपुट डिवाइस यूज टू कैप्चर द इंफॉर्मेशन कंटेन इन अ बार कोड. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. अ प्रोजेक्टर इज एन ऑप्टिकल डिवाइस डैट प्रोजेक्ट एन इमेज ऑन टू अ सरफेस. क्वेश्चन नंबर 29. क्लिकिंग ऑन विच द फॉलोइंग ऑप्शन विल डिस्प्ले अ रेक्टेंगुलर फ्रेम विद द मैग्नीफाई इन सेंटर एज शो इन द गिवन स्नैपशॉट ऑफ एमएस पेंट इन विंडोज 7. ऑप्शन ए बी सी एंड डी. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. टू एक्सेस मैग्नीफायर गो टू होम ग्रुप टूल्स मैग्नीफायर. क्वेश्चन नंबर 30. Which of the following statements each are correct about the portable hard disk? Option A. It is a mass storage device. B. It can be easily transported and extremely connected to the computer. C. It is an optical storage media. And D. Both A and B. Correct answer is option D. Both A and B. Question number 31. Saurav has created a document in MS Word 2010 in which he has used a word computer 100 times. Now his boss told him to change the word computer bit technology immediately instead of manually changing each word. Which of the following option will make task easy to him? Option A. Paragraph sign. B. A, B, A, C, C, text and D, A, Z, arrange. Alphabetically arrange option. So, correct answer is option B. To access this option, follow the given instruction. Go to Home tab, Editing group, then click on Replace button. Question number 32. Select the correct match. Option A. Domain name. Collection of the web pages on the internet. B. DNS. A company that provides internet service. C. Web page. Address or location of the document on the internet. And D. Modem. A peripheral device that allow a computer to connect and communicate with other computers. So, correct answer is option D. D is a correct match. Domain name. A domain name is an identification string define a realm of the administration, administrative, autonomy, authority or control with the internet. DNS, domain name system, is a inertial and decentralized naming system for computers, server or other resources connect to the internet or private network. Web page. A web page is a specific collection of information provided by a website and display to a user in a web browser. Question number 33. Which of the following statements hold true about the given icon with respect of MS Word 2010? Statement 1. It is used to create a link to the web page. Statement 2.
It allow you to insert image in your document from a particular file. Option A, only statement 2. B, only statement 2. C, both statement 1 and 2. D, neither statement 1 or nor statement 2. So, correct answer is option B, only statement 2. To insert image in document from a particular file, follow the following instruction group, then click on picture icon. Question number 34. Which of the following operation has been performed to transfer the given image 1 into image 2 and then image 2 into image 3 in MS Paint? Image 1, image 2 and image 3. Option A, rotate 180 degree flip horizontal. B, flip horizontal rotate 90 degree. C, rotate 90 degree flip horizontal. And D, flip vertical rotate left 90 degree. Correct answer is option C, rotate right 90 degree flip horizontal. Question number 35. What would happen if you select the line of text in a slide and click on option MS PowerPoint 2010? Option A, selected text will be converted into small caps. B, the front face of selected text will get changed. C, a shape will be applied to selected text. And D, none of these. Correct answer is option D, none of these. When you select a line of text in C slide and click on S option, you added a shadow behind the selected text to help it stand out on the slide. So, parents and बच्चे, आज के लिए इतना ही. आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताएं. साथ ही आपको मैं यह भी बताना चाहूँगी कि हमने पावर पॉइंट एंड पेंट ब्रश दोनों पे प्रैक्टिकल्स एंड थ्योरी स्लाइड्स बना रखे हैं, थ्योरी प्रैक्टिकल्स बना रखे हैं, तो उसे भी आप एक बार अवश्य देखिए, जिससे कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको मदद मिलेगी. साथ ही मैंने क्लास फिफ्थ के भी कंप्यूटर के प्रैक्टिकल वीडियो एंड टेक्स्ट बुक्स को भी सॉल्व करवाए हैं, उसके चैप्टर एक्सप्लेन करवाए हैं, यानी उसको बुक को सॉल्व करवाया है, तो उसे एक बार देखकर फिर इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे तो आप और अच्छी तरह से इसे सॉल्व कर पाएंगे और इसे समझ पाएंगे. आज के लिए इतना ही. प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए. साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे. नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी. आज के लिए इतना ही.